23 जुलाई को केंद्र सरकार बजट पेश करने वाली है। उससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट संसद पटल पर रखी। इस रिपोर्ट में क्या होता है, सरकार इसे क्यों पेश करती है, भविष्य से इसका क्या लेना देना है, इन तमाम सवालों के जवाब हम आपको बताते हैं। दरअसल आर्थिक सर्वेक्षण या इकोनॉमिक सर्वे को एक परंपरा के तौर पर संसद में बजट पेश करने से एक दिन पहले लाया जाता है। ये बजट का मुख्य आधार होता है और इससे इकोनॉमी की पूरी तस्वीर उभर कर सामने आती है। सरकार इसे पिछले वित्तीय वर्ष की समीक्षा के आधार पर तैयार करती है। आसान भाषा में कहें तो इकोनॉमिक सर्वे के जरिए सरकार देश की आर्थिक स्थिति की बेहतर तस्वीर पेश करती है। ये सर्वे वित्त मंत्रालय का एक एनुअल डॉक्यूमेंट है जिसमें देश के आर्थिक विकास का लेखा जोखा होता है। इस सर्वेक्षण से पता चलता है कि देश को कहां पर फायदा हुआ है और कहां पर नुकसान। इस सर्वे के आधार पर यह तय होता है कि आने वाले साल में अर्थव्यवस्था में किस तरह की संभावनाएं देखने को मिलेंगी। आर्थिक सर्वेक्षण में पिछले एक साल के काम, रोजगार, जीडीपी के आंकड़े, बजट घाटे और मुद्रा स्फीति जैसी चीजों की अहम जानकारी दर्ज होती है। इससे आम लोगों को महंगाई से लेकर देश में बेरोजगारी के आंकड़े और सरकार की आगे की नीति और रोडमैप के बारे में पता चलता है। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट को वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के इकोनॉमिस्ट डिवीजन तैयार करवाता है। इस साल इस आर्थिक सर्वे को मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन की अगुवाई वाली टीम ने तैयार किया है। आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को संसद में इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 की रिपोर्ट पेश की, जिसमें कई बड़ी बातों का जिक्र किया। जैसे वित्त वर्ष 2024-25 में इकोनॉमिक ग्रोथ रेट 6.5 से 7 फीसदी रहने का अनुमान जताया गया है, जबकि 2023-24 में ये 8.2 फीसदी रहने का अनुमान है। इसके अलावा भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत और स्थिर स्थिति में है, जो भू राजनीतिक चुनौतियों से निपटने में उसकी जुझारू क्षमता को दर्शाता है। वैश्विक महामारी के प्रभावों से पूरी तरह निकलने के लिए घरेलू मोर्चे पर कड़ी मेहनत करनी होगी, ये बात आर्थिक सर्वे में कही गई है। भारत की वृद्धि में पूंजी बाजार प्रमुख है। बाजार वैश्विक भू राजनीतिक आर्थिक झटकों से निपटने में सक्षम है। व्यापार, निवेश और जलवायु जैसे प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर सहमति बनाना असाधारण रूप से मुश्किल हो गया है। बेहतर कॉरपोरेट और बैंकों के बहीखाते से निजी निवेश को और मजबूती मिलेगी। विदेश में बसे भारतीयों द्वारा भेजा गया धन 2024 में 3.7 फीसदी बढ़कर $124 अरब हुआ। 2025 में इसके $129 अरब पर पहुंचने का अनुमान है। देश में 54% रोग अस्वास्थ्यकर आहार के कारण हो रहे हैं। संतुलित विविध आहार की ओर बदलाव की जरूरत आर्थिक सर्वे में बताई गई है। वहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सभी स्किल्ड लेवल के श्रमिकों पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर काफी अनिश्चितता है। भू राजनीतिक तनाव में वृद्धि और इसका प्रभाव आरबीआई की मौद्रिक नीति के रुख को प्रभावित कर सकता है। मानसून के सामान्य रहने की उम्मीद और आयात कीमतों में नरमी से आरबीआई के महंगाई अनुमानों को बल मिलता है। तो इन तमाम बातों का जिक्र इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 की रिपोर्ट में किया गया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए